तो आप देख ही रहे हैं कि बंगाल में ममता जी किस तरीके से उनकी कार्यशैली रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मतदान का दिन वहाँ पर रहा होगा बंगाल में जहाँ पर हिंसा ना हुई हो, जहाँ पर लोगों को मारा पीटा ना गया हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर अत्याचार ना हुआ हो। उसके बाद जिस तरीके की भाषा ममता बनर्जी इस्तेमाल करती हैं, जब वो खुद मुख्यमंत्री होते हुए और संगठन प्रमुख होते हुए जब वो खुद इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगी, तो उनके नीचे उनके जितने भी उनके नेता हैं या उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, वो भी उसी तरीके का भाषा का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि अभी इससे पहले ममता बनर्जी जी की बंगाल में उनकी लड़ाई होती थी लेफ्टीज के साथ, पर अब वहाँ पर उनकी डायरेक्ट फाइट हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ये मुझे लगता है शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतना बेहतर प्रदर्शन वहाँ पर करने जा रही है। तो इस बात की हताशा भी है, इस बात का निराशा भी है, और इस बात का सबसे बड़ी बात है डर है। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की रैली रोकी जाए, किस तरीके से अमित शाह जी की रैली रोकी जाए, इनका प्रचार प्रसार रोका जाए, इसके लिए ममता बनर्जी हर हथकंडा जो उनको अपनाना है वो अपनाने का प्रयास कर रही है। पर इसके बावजूद इस बार भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर रहेगा, वहाँ पर उनकी काफ़ी सीटें भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर निकल कर रहेंगी।